हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न मोर फॉरएवर। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे लोन कैलकुलेशन के बारे में कि अगर आपको लोन की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, लोन की जरूरत हम सबके लाइफ में कभी ना कभी पड़ती है, चाहे आपको लोन की जरूरत पड़े या आपके दोस्तों को पड़े। तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि EMI होता क्या है, इसके कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। दोस्तों, एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पर ये लिया है कि शोरूम में एक मुझे KTM बाइक लेना है, जिसमें शोरूम का रेट कितना दे रखा है, 2,30,000 रुपये दे रखा है, और मुझे डाउन पेमेंट कितना करना है। मेरे पास 85,000 रुपीज है, मैं इसको डाउन पेमेंट करूंगा। तो मुझे बताइए कि जो रिमेनिंग अमाउंट है उस पर कितने का EMI बनेगा, कितने रुपए का किस्त बनेगा। तो सबसे हम निकालते हैं कि लोन अमाउंट कैसे निकालेंगे। तो इक्वल टू हमारे पास 2,30,000 रुपए का KTM बाइक है, जिसमें से मैं डाउन पेमेंट को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा 85,000 रुपीज को। तो मेरे पास आ गया 1,45,000 रुपए लोन अमाउंट है, जिसपे मुझे बैंक ने बोला कि आपको 14% पर मंथ पर एनम के हिसाब से आपका रेट है। और मैंने बोला सर मैं आपको 2 साल में पेमेंट करूंगा, तो मुझे बताइए कि किस्त कितना बनेगा, यानी यहाँ पर EMI कितना बनेगा। दोस्तों, आपको बता दूं EMI का फुल फॉर्म होता है एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट, यानी आप एक महीने में कितना इंस्टॉलमेंट आप भरोगे। दोस्तों, इसके लिए एक फॉर्मूला हम लगाते हैं, इसका नाम है PMT। PMT का मतलब होता है पर मंथ ट्रांजैक्शन, और ब्रैकेट ओपन करेंगे। दोस्तों, सबसे पहला आपको जो पहला कंपोनेंट है वो है रेट। रेट हमने यहाँ पर ले लिया। आप सभी को पता है कि जो रेट होता है वो पर एनम होता है, और हमें जो EMI निकालना है वो एक महीने का निकालना है, क्योंकि इसका नाम ही है एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट। तो हम इसको क्या करेंगे दोस्तों, एक महीने का निकालने के लिए 12 से डिवाइड कर देंगे, तो एक महीने का आ जाएगा। फिर हम यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, फिर हमारे पास लिख रखा है NPER। NPER का मतलब होता है नंबर ऑफ पेमेंट, कि 2 साल में आप कितने बार पेमेंट करोगे। दोस्तों, मैं यहाँ पर 2 साल में अगर पेमेंट करना चाहूँ तो अगर मैं मंथली भरता हूँ तो 2 साल में 24 महीने होते हैं, यानी मैं 24 इंस्टॉलमेंट मेरी बनेगी, जिसको मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये 24 इंस्टॉलमेंट अपने आप आ जाएगा। कॉमा करेंगे तो फिर आपके पास देखिए लिखा PV। PV का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू, और प्रेजेंट वैल्यू हम किसको बोलते हैं दोस्तों, लोन अमाउंट को प्रेजेंट वैल्यू बोला जाता है। इसको सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके बस आपको एंटर करना है। जैसा आप एंटर करोगे तो आपका जो किस्त है, जो इंस्टॉलमेंट है, वो कितना बन गया, 6,961.87 का। दोस्तों, हम चाहे इसको राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, तो हमारे पास 6,962 रुपए का क्या बन गया, इंस्टॉलमेंट बन गया है। और यहाँ पर माइनस इसलिए आ रहा है दोस्तों कि जो भी हमें यहाँ इंस्टॉलमेंट, जो भी हमें पैसा देना है, तो हमारे जो भी हम लोन लिया उसमें क्या होगा, माइनस होता जाएगा। और एक अच्छी बात यह कि हम यहाँ पर यह जानना चाहते हैं कि हमें टोटल पेमेंट कितना करेंगे बैंक वालों को। तो दोस्तों, यहाँ पर इक्वल टू करना है, और आपको एक महीने का इंस्टॉलमेंट पता चल गया है, यानी 6,962 पे आप यहाँ पर लिखोगे, इसको कितने से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 24 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि 2 साल में 24 इंस्टॉलमेंट होती है, तो हमने 24 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे मैं आप एंटर करूं तो आप देख सकते हो मेरे पास आ गया कि 1,67,088 रुपए मैं टोटल भुगतान करूंगा। तो अगर मुझे निकालना है ब्याज, जबकि लोन मैंने कितना लिया है, लोन लिया सिर्फ 1,45,000 का, और इतना मैं पैसे भर रहा हूं, तो कितना ज्यादा भर रहा हूं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल पेमेंट में से लोन अमाउंट को माइनस करेंगे, तो और एंटर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि हम लोग 22,088 रुपए हम क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट भर रहे हैं। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है इस चीज को सीखने के लिए कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने इस पर किस प्रकार से इंस्टॉलमेंट निकालना है, किस तरह से ब्याज निकालना है। दोस्तों, आप भी इसी तरह से अपना कैलकुलेशन भी लोन का कर सकते हो अपने दोस्तों।